जहां एक ओर मध्य प्रदेश में सिंधिया की कांग्रेस से निकलने के बाद कांग्रेस की सरकार डगमगा गई है, तो वहीं दूसरी ओर खबरें यह भी आ रही है कि कहीं राजस्थान में सचिन पायलट कांग्रेस से ना निकल जाए, और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस की सरकार राजस्थान में गिरना तय है। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि राजस्थान में क्या सचिन पायलट कांग्रेस से निकल सकते हैं, साथ ही हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश से आ रही कुछ बड़ी खबरों के बारे में। तो देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करिए चैनल को और दबाइए बेल आइकन को, ताकि आप पाएंगे आने वाले वीडियोस और देश दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले। इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को वैसे दबाइएगा। तो बढ़ेंगे वीडियो में आगे और आपको बताएंगे कांग्रेस सरकार के बारे में, राजस्थान की बात करेंगे, जहां पर आपको बताएंगे कि क्या सचिन पायलट बाहर निकल सकते हैं कांग्रेस से। तो आपको बता दें राजस्थान के सचिन पायलट जो मुख्यमंत्री, उन्होंने कह दिया है कि राजस्थान में कांग्रेस को कोई भी खतरा नहीं है, यानी कि कांग्रेस को डरने की जरूरत नहीं है, वो किसी भी सूरत में कांग्रेस से बाहर नहीं निकलने वाले। साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में जो संख्या बल है, यानी कि जो बहुमत है, वो काफी अच्छा है, यानी कि अच्छा खासा बहुमत राजस्थान में कांग्रेस ने प्राप्त करके रखा है विधानसभा के अंदर, तो उन्हें कोई भी टेंशन करने की बात नहीं है, यानी कि कोई भी खतरा नहीं है राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार को, ऐसा कहा गया है सचिन पायलट द्वारा। और उन्होंने मध्य प्रदेश के बारे में भी बात की, जहाँ पर उनका कुछ ऐसा खास दावा नहीं आया है, यानी कि उनका यही दावा किया गया है कि राजस्थान में ऐसा नहीं हो सकता है मध्य प्रदेश के जैसा, और मध्य प्रदेश में बहुमत साबित करने के लिए सदन एक पटल है जहां पर कमलनाथ सरकार अपना बहुमत हासिल करके बता पाएगी। ऐसा ही कहा गया उनके द्वारा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया कि कांग्रेस के पास बहुमत है या फिर नहीं। तो मध्य प्रदेश की बात करी जाए तो जहां एक और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला ले लिया है और कह दिया है कांग्रेस सरकार को कि वो जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट चाहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने अपील की है कि वो उपचुनाव होने तक फ्लोर टेस्ट नहीं कराने चाहते हैं, यानी कि मांग की गई है फ्लोर टेस्ट नहीं कराने की कांग्रेस सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट को। उनका कहना है कि कांग्रेस ने विधायकों के इस्तीफे से खाली हुई सीटों पर उपचुनाव होने तक फ्लोर टेस्ट नहीं कराने की मांग की है, भाजपा ने इसका विरोध किया, कोर्ट ने कहा 16 बागी विधायक फ्लोर टेस्ट में शामिल हो या नहीं, लेकिन उन्हें बंधक नहीं रखा जा सकता, यानी कि उन्हें बांधा नहीं जा सकता। जो 16 विधायक हम आपको बता रहे हैं वही है जो बागी हुए कांग्रेस से सिंधिया के साथ, और अभी वो किसी भी पार्टी के अंदर नहीं गए हैं, यानी कि किसी भी पार्टी के अंदर नहीं जुड़े हैं, लेकिन वो कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं। और कांग्रेस ने यहाँ पर एक मांग रखी है कि उपचुनाव होने तक, यानी कि जब तक उपचुनाव पूर्ण ना हो जाए, उनका रिजल्ट ना आ जाए, तब तक फ्लोर टेस्ट ना हो। यहाँ पर कांग्रेस की राजनीति यह है कि जितने भी सीटें जो बच जाएगी वहां पर फिर से कांग्रेस की सरकार लाई जाए, यानी कि एक बार अगर फ्लोर टेस्ट होगा तो भाजपा की सरकार बन जाएगी, लेकिन जब उपचुनाव हो जाएगा और वापिस से जो कांग्रेस की अभी जो सीटें जा चुकी है उन पर कांग्रेस के अगर वापिस नेता बन जाते हैं विधायक, तो कांग्रेस को यहाँ पर फायदा यह होने वाला है कि कांग्रेस वापिस सरकार बना सकती है। तो इसी मांग के पीछे यही कारण है कि क्यों वो चाहते हैं कि फ्लोर टेस्ट उपचुनाव के बाद हो। इसी के साथ आपको बता दें जो 22 विधायकों ने अपने इस्तीफे सौंपे थे कांग्रेस सरकार को, उनमें से 6 के तो इस्तीफे मान लिए गए, लेकिन अभी तक 16 विधायक ऐसे हैं जिनके इस्तीफे नहीं माने गए हैं। उनके इस्तीफे अध्यक्ष को मानने हैं, यानी कि जो सदन के अध्यक्ष हैं उनको मानने हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो मान नहीं रहे हैं। इस पर जो जस्टिस है चंद्रचूड ने, तो आपको बता दें उन्होंने कहा कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके इसका सोल्यूशन निकाले और उन्हें इस्तीफे उनके इस्तीफे को मान ले, ऐसा कहा गया। लेकिन इस पर कुछ भी जो प्रतिक्रिया है वो नहीं देखी गई है कांग्रेस सरकार द्वारा, क्योंकि वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अगर इस्तीफे हो जाए तो 16 विधायक बाहर निकल जाएंगे, और 16 विधायक जब बाहर निकलेंगे तो पूर्ण तरीके से भाजपा के पास बहुमत होगा, और भाजपा फ्लोर टेस्ट के अंदर बहुमत परीक्षण में अपने पूरी तरीके से बहुमत दिखाकर सरकार बना पाएगी। तो इसके पीछे भी कांग्रेस की राजनीति है कि वो उन 16 विधायकों के इस्तीफे मानना नहीं चाहती है जिनके इस्तीफे कांग्रेस को दे दिए गए हैं उन विधायकों द्वारा। तो ऐसी खबरें आ रही थी मध्य प्रदेश से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक अवश्य ही करिएगा, साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।